नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। नया साल 2023 आपके जीवन में अनेक बदलाव लेकर आएगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे मेष राशिफल 2023 के बारे में और जानेंगे कि यह साल मेष राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो यदि आप भी मेष राशि के हैं तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें, क्योंकि वो माता रानी ही हैं जो हमारे सारे कष्टों को हर कर हमारा जीवन सुखमय बनाती हैं। इस साल मेष राशि के सातवें घर में शनि का आगमन होगा, जो लगभग जुलाई तक रहने वाला है। जुलाई के पश्चात आपका वक्त और भी बेहतर हो जाएगा। 2023 के शुरुआत के कुछ महीने आपके लिए कष्टकारी हो सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं मेष राशि के फैमिली लाइफ के बारे में। साल के शुरुआती माह में आपका अपने परिवार के साथ मन मुटाव हो सकता है। आप किसी गैर व्यक्ति के बातों में आकर अपने परिवार पर विश्वास ना करने की भूल ना करें। इस साल आपके रिश्ते अपने माँ बाप के साथ और भी बेहतर होंगे। बच्चों से आपको भरपूर प्रेम मिलेगा। आपका अपनी पत्नी या प्यार के साथ थोड़ी नाराजगी हो सकती है, पर यह ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली। अंत में 2023 में आपका पारिवारिक जो रिश्ते हैं वो और भी मजबूत होंगे। आइए बात कर लेते हैं मेष राशि के जॉब लाइफ के बारे में। नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह साल काफ़ी कुछ लेकर आया है। ऑफिस में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बॉस की तरफ से आपको कुछ विशेष उपहार मिल सकते हैं और यह उपहार प्रमोशन के रूप में भी हो सकता है। आपके काम करने के तरीकों से लोग काफ़ी इम्प्रेस होंगे, पर जो लोग रोज़गार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इस साल के तीसरे तथा चौथे माह के भीतर ही आपको जॉब मिल सकता है। गवर्नमेंट जॉब के इच्छुक लोगों के लिए यह साल मिला जुला रहेगा। अतः मेष राशि के लगभग 40% लोग इस साल गवर्नमेंट जॉब पा जाएंगे। आइए बात कर लेते हैं मेष राशि के बिजनेस लाइफ के बारे में। यह साल पैसा तथा जायदाद के हिसाब से बहुत अच्छा रहने वाला है। इस साल कोई नई गाड़ी या प्लॉट लेने के पूरे योग बन रहे हैं। एक बात को आपको हमेशा से ख्याल रखना होगा कि जब भी आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, नया बिजनेस ट्राई करना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसे स्टार्ट करने से पहले अपने किसी विश्वासपात्र मित्र से या विश्वासपात्र किसी रिलेटिव से आप सलाह ज़रूर लें। यह आपके लिए कल्याणकारी साबित होगा। एक और बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा कि इस साल आप लोग ऑनलाइन निवेश बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपको इसमें भारी नुकसान हो सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं मेष राशि के हेल्थ लाइफ के बारे में। इस साल आपको अपने हेल्थ पर काम करना होगा। कमर और पेट की समस्या से आप परेशान हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में एक अच्छे डॉक्टर की सलाह लें तथा रेगुलर डाइट तथा एक्सरसाइज फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। इस साल आपको फास्ट फूड से परहेज करने की ज़रूरत है। आइए बात कर लेते हैं मेष राशि के लव लाइफ के बारे में। यह साल मेष राशि के लिए उपहार लेकर आया है। यदि आप सिंगल हैं तो इस साल आपको एक अच्छा पार्टनर मिल जाएगा। यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो रिश्ते और भी मजबूत होंगे और प्यार में मिठास आएगा। ऐसे लोग जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, इस साल आपके रिश्ता पक्का होने के पूरे आसार हैं। आइए बात कर लेते हैं मेष राशि को 2023 में क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो 17 मई से लेकर 23 जून तक आपका समय ठीक नहीं है। इस समय में आपको कोई भी नया काम नहीं करना चाहिए। तो आइए बात कर लेते हैं मेष राशि वाले 2023 में अपने कष्टों को कैसे दूर कर सकते हैं, क्या उपाय अपना सकते हैं। इसके लिए चंद्रमा आपके ऊपर पूरी तरह मेहरबान है इस साल, तो आपको कछुए की अंगूठी ज़रूर पहननी चाहिए। यह आपके लिए बहुत कल्याणकारी सिद्ध होगा। इस साल जो लकी कलर की बात करें तो मेष राशि वालों के लिए इस साल जो लकी कलर रहने वाला है वो रेड रहने वाला है। साथ में लकी नंबर के बारे में बात करें तो आपका जो लकी नंबर है वो 9 है। तो आई होप दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय माता दी।
feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in.